नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम टू चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छंद के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो TGT स्पेशल होने वाली है, TGT अभ्यर्थियों के लिए, TGT PGT वालों के लिए, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो लोग छंद को जानना चाहते हैं, छंद किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। छंद, देखिए छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों में बधी हो। छंद में प्रायः चार चरण होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि छंद में कितने चरण होते हैं, तो आप बताएंगे कि छंद में चार चरण होते हैं, प्रायः चार चरण होते हैं। जो छंद दो पंक्तियों का में लिखे जाते हैं, उसकी प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। कुछ छंदों में छह चरण भी होते हैं, जैसे छप्पे, कुंडलियाँ, अमृत ध्वनि, ना ये जो छंद हैं इनमें छह चरण भी होते हैं, ठीक है। अब बात आती है छंद की, रही परिभाषा, छंद किसे कहते हैं, उसके बाद है वर्णों के, हाँ वर्णों के प्रकार। छंद में जो वर्ण प्रयोग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, गुरु वर्ण और लघु वर्ण। गुरु वर्ण की दो मात्रा होती है, जिसके लिए ये यश का निशान इस तरीके से बनाया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये यश जैसा ये बना हुआ है, यश जैसा, इसकी दो मात्रा होती है, यह गुरु वर्ण का संकेत है, ठीक है। उसके बाद इसकी दो मात्रा होती है, और लघु वर्ण की जो लघु वर्ण का जो संकेत है वो एक खड़ी पाई है, ये लघु वर्ण का संकेत है, इसकी एक मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए है, ये लघु वर्ण का संकेत है, ठीक है, ये लघु वर्ण का संकेत है और इसकी एक मात्रा होती है। संयुक्त अक्षरों से पूर्व संयुक्त अक्षर, अगर कोई भी संयुक्त अक्षर आता है उसके पूर्व अगर कोई लघु वर्ण है तो वह लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है। जैसे देखिए सत्याग्रह, अब सत्याग्रह में देखिए यहाँ पे त जो है आधा आया हुआ है और य है ना, तो त्या त्या शब्द जो है ये संयुक्त अक्षर है, यानी मिला हुआ अक्षर है, दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और इसके पहले जो स है, स क्या है, ये लघु वर्ण है, लेकिन अभी नियम में आपने क्या पढ़ा कि संयुक्त अक्षरों के पहले अगर कोई लघु वर्ण होता है तो वह लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए यह स को जो है दीर्घ मान लिया गया है और इसकी दो मात्रा बताई गई है, ठीक है। उसी तरीके से अत्याधुनिक में भी देखिए अ जो है वो लघु है, लेकिन चूंकि इसके पहले त्या, त्या जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इस संयुक्त से पहले अगर कोई लघु व्यंजन है तो लघु होते हुए दीर्घ माना जाता है, इसलिए अ को यहाँ पे दीर्घ माना गया, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखिए विषम चरण और सम चरण क्या होते हैं। छंद के प्रथम और तीसरे चरण को हम विषम चरण को बोलते हैं, और छंद के दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण बोलते हैं, दूसरे और चौथे चरण को समचरण बोलते हैं। छंद के प्रकार, छंद देखिए छंद दो प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। अब यहाँ पर जो है आपको लौकिक छंद पढ़ना होता है ना, तो लौकिक छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद या जाति, और दूसरा होता है वर्णिक छंद या वृत्त। यहाँ पर अब हम आगे पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें वर्णों का क्रम और संख्या एक समान हो। मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें वर्णों का क्रम और संख्या एक समान हो, किंतु मात्राएं प्रत्येक पद में एक समान न हो। प्रत्येक पद में मात्राएं एक समान न हो, लेकिन वर्णों का क्रम और उनकी संख्या एक समान हो, ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। उसके बाद वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में चारों चरणों में वर्ण, क्रम और संख्या दोनों एक समान होते हैं, ठीक है। वर्णिक छंद में चारों चरणों में वर्ण, क्रम और संख्या दोनों एक समान होते हैं। उसके बाद छंद के तीन उपभेद भी होते हैं, तीन उपभेद हैं, सम छंद चारों चरण जिसमें एक समान हो उसे सम छंद बोलेंगे, अर्ध सम छंद जिसके पहले और तीसरे चरण एक से हों, एक जैसे हों, और दूसरे और चौथे चरण एक जैसे हों, उसे अर्ध सम छंद कहते हैं। अर्ध मतलब आधा, जिसका आधा सम हो, मतलब बराबर, ठीक है। उसके बाद विषम छंद जो होते हैं, जो सम छंद और अर्ध सम छंद से भिन्न होते हैं उनको हम विषम छंद बोलते हैं। उसके बाद देखिए मात्राओं और वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। कैसे बांटा गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मात्राओं और वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों को चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक साधारण छंद, नंबर दो दंडक छंद, नंबर तीन साधारण वृत्त, नंबर चार दंडक वृत्त। अब साधारण छंद क्या होता है, साधारण छंद में देखिए जो साधारण छंद होता है यह 32 मात्राओं तक के छंद को साधारण छंद कहते हैं।
दंडक वृत्त, दंडक छंद जो होता है वो 32 मात्राओं से अधिक मात्रा वाले छंदों को हम दंडक छंद कहते हैं। साधारण वृत्त, 26 वर्ण तक के वृत्त को हम, 26 वर्ण तक के जो वृत्त हैं उनको साधारण वृत्त कहते हैं। और दंडक वृत्त जो होते हैं वो 26 से अधिक वर्णों के वृत्त को हम दंडक वृत्त कहते हैं। अब बात आती है कि लघु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं और दीर्घ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, उसको हम यहाँ पर देखिए देखते हैं। लघु वर्ण में देखिए अ, ई, उ, री, ऋ, प्र, भ्र, क्र, मृ, ये जितने ही, ये सब के सब लघु में आते हैं। जैसे अगर किसी शब्द का पहला अक्षर अगर प्र है, भ्र है, क्र है, मृ है, तो उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी एक मात्रा होगी, लघु वर्ण उसको कहेंगे, इसकी एक मात्रा होगी, ठीक है। और जिसका पहला अक्षर अ है, ई है, उ है, री है, ये भी अगर किसी के पहले अक्षर में आता है, एक मिनट, हाँ देखिए, अ छोटा, एक मिनट, ये है देखिए, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ली, प्र, ये सब जितने भी हैं ये सब लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ये कहीं भी आते हैं तो इनकी मात्रा एक होती है। यहाँ पर जो हमने आपको लिख करके बताया हुआ है देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको ये बताया हुआ है लिख करके कि इनकी मात्रा एक होती है। और दीर्घ वर्ण के अंतर्गत बड़ा आ यानी आ आता है, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ए, ओ, औ, ये इनकी मात्रा दो होती है, दो मात्रा के लिए हम यस का निशान दिखाते हैं और एक मात्रा के लिए एक खड़ी पाई दिखाते हैं, ठीक है। यस का निशान हो गया मतलब ये दो मात्रा है, एक खड़ी पाई मतलब ये एक मात्रा है, ठीक है। तो दो मात्रा आपको कहाँ कहाँ लगानी है, दो मात्रा हमको लगानी है आ में, बड़ी आ में, बड़ी ई में, बड़ा ऊ में, ए, ए, ओ, औ, इनकी ए, ए, ओ, औ की जहाँ पर भी आपको मात्रा दिखेगी वहाँ पर आपको दो मात्रा दिखाना है। उसके बाद चंद्र बिंदु के लिए भी हम दो मात्रा का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार के लिए भी दो मात्रा का प्रयोग करते हैं और विसर्ग के लिए भी दो मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा आधे अक्षर, आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हम श्याम लिखें यहाँ पर, तो श्याम शब्द में इस श की कोई मात्रा नहीं है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें कितनी मात्रा है, तो श्याम यानी स और या मिलकर के इसकी दो मात्रा हो जाएगी, म की एक, यानी दो एक तीन मात्रा हो गई, ठीक है। तो इस आधे अक्षर की, आधा श है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा मात्रा की, लघु मात्रा हम कहाँ प्रयोग करेंगे और दीर्घ मात्रा कहाँ प्रयोग करेंगे, लघु वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से क्या आते हैं और दीर्घ वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है, और इनके लिए हम किस मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो लघु के लिए हम एक मात्रा का इसका प्रयोग करते हैं और दीर्घ के लिए दो मात्रा यानी यस का जैसा है सिंबल जो होता है इसका, इसका मतलब दो मात्रा, इसका मतलब एक मात्रा, ठीक है। इस तरीके से हम गणना करते हैं मात्रा की, वर्णों की, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, अब उदाहरण देखिए। अभी तो हमने आपको छंद के बारे में बताया, उसकी मात्रा के बारे में बताया, छंद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, न उसके उपभेद क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी आपको बताया, पूरी जानकारी जो थी। अब हम उदाहरण में आते हैं और ये समझते हैं कि कैसे इसको हम गिनते हैं और कैसे पहचानते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। इसका अलग अलग लक्षण होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोहा छंद है, दोहा छंद का ये लक्षण होता है कि दोहा में, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया हुआ है दोहा का, देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप परे प्रभात। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इस बताऊंगा कि दोहा कैसे है, ठीक है, जिससे कि आप पहचान सकें कि दोहे का लक्षण क्या होता है। दोहे का लक्षण देखिए कैसे है, यहाँ पर है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। तो देखिए सोहत ओढ़े पीत पटु, ये इतना पहला चरण हो गया, ठीक है। श्याम सलोने गात, ये दूसरा चरण हो गया। मनो नीलमण शैल पर, ये तीसरा चरण हो गया। आतप परे प्रभात, ये चौथा चरण हो गया। इस तरीके से ये चार चरण आपके सामने हो गए। अब यहाँ पे शर्त यह है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा आनी चाहिए। मैं आपको गिन के दिखा रहा हूँ कि कैसे आती है 13-13 मात्रा। देखिए अब सोहत, अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी ओ की मात्रा लगेगी उसकी दो मात्रा होगी। सोहत में स की दो मात्रा हो गई, ह की एक मात्रा और त की एक मात्रा, इस तरीके से यहाँ पर चार मात्रा हो गई। और ओढ़े, ओढ़े में अब यहाँ पे
अढ़ा के ऊपर एक ही मात्रा लगी है तो इसके लिए हम दो मात्रा का प्रयोग करेंगे, और ओ है तो ओ के लिए भी हम दो मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी चार दो छः दो आठ। और पीत है तो प में बड़ी की मात्रा लगी हुई तो बड़ी ई की मात्रा जहाँ भी लगी उसके लिए दो का प्रयोग करेंगे, दीर्घ स्वर है, और त के लिए एक मात्रा। कितना हुआ? चार पाँच, चार हो गया, दो छः, दो आठ, दो दस, ग्यारह, बारह, तेरह। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी मात्रा को जब आप गिरेंगे यहाँ तक तो पूरा तेरह आएगा, जो कि पहला चरण है। अब ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। अब तीसरे चरण का भी गिन लीजिए, तीसरे चरण में तेरह आ रहा है कि नहीं। तीसरे चरण में देखिए, म के लिए एक मात्रा, नौ, नौ के लिए दो मात्रा, यानी दो एक तीन हो गया, तीन दो पाँच हो गया, पाँच एक छः, एक सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी तेरह है और यहाँ पर भी तेरह है, यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा होगी। अब बात आती है दूसरा और चौथा चरण। दूसरे चरण में देखिए, दूसरे चरण में श्याम सलोने गात। अब देखिए यहाँ पे श, श आधा श आया है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अभी हमने आपको बताया। या की दो मात्रा हो जाएगी और म की एक मात्रा, नहीं तीन मात्रा यहाँ हो गई, और एक चार, दो छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह। यहाँ पर देखिए ग्यारह मात्रा हो गई। दोहे का जो लक्षण है उसको देखिए ये सिद्ध कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है चौथा चरण है, ये चौथा चरण है। इसमें देखिए चौथा चरण में, चौथा चरण में देखिए कैसे हैं। हाँ, आ आ देखिए बड़ा, यानी आ के लिए हम दो मात्रा का प्रयोग करेंगे, त के लिए एक मात्रा, पू यानी छोटा ओ की मात्रा लगी इसके लिए भी एक मात्रा, यानी दो, दो चार, एक पाँच, दो सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह। यहाँ पर भी देखिए ग्यारह है। इस तरीके से आप मात्रा को गिनते हैं और गिन करके आप लिखते हैं, मात्रा गिनने का यही तरीका है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको ए की मात्रा दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, औ की मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए, अंक की मात्रा दिख जाए, अनुस्वार की मात्रा दिख जाए, विसर्ग की मात्रा दिख जाए, वहाँ पर आपको दो मात्रा गिनना है। क्या गिनना है? दो मात्रा इस तरह से गिनना है। और जहाँ पर आपको साधारण शब्द मिल जाए, लघु वर्ण मिले, अ अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ली, प्र, क्र, मृ, वहाँ पर आपको ये एक मात्रा गिनना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, हाँ अगला है, देखिए अगला दोहा मैंने लिया है एक और, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युत होए। यहाँ पर भी देखिए अभी दोहे का, इसमें भी दोहे के लक्षण सभी हैं। मेरी भव, यहाँ पर देखिए दो मात्रा इसकी होगी, दो मात्रा इसकी होगी, क्योंकि दोनों में बड़े स्वर की बड़े स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पर भव एक एक मात्रा हो गई, यानी दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह और दो तेरह। ये पहला चरण है इसका, तेरह मात्रा हो गए। उसके बाद दो, दो चार, दो छः, एक सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह, दूसरा चरण है, इसमें ग्यारह मात्रा होगी। अब तीसरे चरण में भी देखिए, दो तीन चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, एक तेरह। तीसरे चरण में भी देखिए तेरह मात्रा, यानी पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा हो गई, और दूसरे चरण में यहाँ पे ग्यारह मात्रा है। यहाँ पर भी देखिए श्याम, यहाँ पे सब की कोई मात्रा नहीं होगी, या है तो या के लिए दो मात्रा का प्रयोग करेंगे, दो एक तीन हो गया, तीन छः हो गया, दो आठ हो गया, दो दस और एक ग्यारह। तो यहाँ पर भी दूसरे और चौथे चरण में देख लिए ग्यारह ग्यारह है, और पहले और तीसरे चरण में तेरह तेरह मात्रा है, दोनों में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से दोहा हो गया। सोरठा देखिए, सोरठा दोहे जो है ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा जो होता है उसको सोरठा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा होती है। इसको भी उसी तरीके से आप गिन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप उदाहरण में दिया है, इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानो नित सत्संग कर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस शब्द के लिए यहाँ पे दो मात्रा का, ई छोटा है, स भी छोटा है, तो एक एक मात्रा का प्रयोग हुआ। भाव के लिए भी एक एक मात्रा का प्रयोग हुआ। सागर में स में आ की मात्रा, तो यहाँ पे दो मात्रा लग गया, यहाँ पर भी एक एक मात्रा। ठीक है, बीच में भाव में देखिए बड़ी की मात्रा लगी, तो यहाँ पे दो मात्रा लग गया। ठीक है, इस तरीके से इसको आप गिनेंगे तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, ग्यारह हो गया। पहले चरण, तीसरे चरण में ग्यारह, तो यहाँ पे देखिए ग्यारह हो गया। और इसका तीसरा चरण,
कर्म न कर तू नीच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्म यानी म के ऊपर र लगा हुआ है, संयुक्त अक्षर हो गया, तो संयुक्त के पहले जो आएगा वो लघु होते हुए दीर्घ माना जाता है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो गया। ठीक है, तो दो एक तीन हो गया, एक चार हो गया, दो छः हो गया, दो आठ हो गया, दो दस हो गया, एक ग्यारह हो गया, यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में ग्यारह हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका दूसरा चरण में तेरह मात्रा है कि नहीं। जीवन ज में देखिए दो मात्रा हो गई, वन एक एक मात्रा यानी चार मात्रा हो गई, पाँच छः दो आठ दो दस एक ग्यारह एक बारह एक तेरह, यहाँ पे तेरह मात्रा हो गई। ठीक है, नीचे वाले में देखिए चौथे चरण में तेरह है कि नहीं, तो दो दो चार दो छः दो आठ दो दस ग्यारह दो तेरह। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए तेरह है, तो ये सोरठा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने वैसे तो देखिए जो ये छंद हैं ये 11-12 छंद हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें से पांच छंद के उदाहरण आपको हमने समझाए हैं, बाकी जो बच रहे हैं उनको मैं अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चौपाई छंद है। चौपाई इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती है चौपाई में। यहाँ पे हमने रामायण की चौपाई ली है, बहुत ही प्रचलित चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी अजर बिहारी। ठीक है, अब देखिए मंगल म के ऊपर अंक की मात्रा लगी थी, इसकी दो मात्रा हो गई, और यहाँ पे एक एक मात्रा यानी दो दो चार एक पाँच एक छः एक सात एक आठ दो दस एक ग्यारह एक बारह, बारह के बाद यहाँ हो जाएगा दो चौदह दो सोलह, तो यहाँ पर देखिए 16 मात्रा हो गई। उसके बाद द्रवहु, द्रवहु में देखिए तीन मात्रा है क्योंकि सब छोटे हैं ना। उसके बाद सुदशरथ, इसमें भी तीन के बाद चार पाँच छः सात आठ हो गया, नौ दस ग्यारह हो गया, बारह बारह दो चौदह, चौदह और दो सोलह, यहाँ पर भी देखिए 16 मात्रा है, तो ये चौपाई का उदाहरण है। उसके बाद देखिए रोला, रोला छंद जो है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह भी दोहे का उल्टा होता है। रोला जो होता है यह भी दोहे का उल्टा होता है, इसमें भी सोरठा की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे सोरठा होता है उसी तरह यह भी होता है। इसके पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। तो देखिए यहाँ पर जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिबर वदन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला चरण है जो सुमिरत सिद्धि होए, ये पहला चरण है। गणनायक करिबर वदन ये दूसरा चरण है। करहुँ अनुग्रह सो ये तीसरा चरण है। बुद्धि बुद्धि राश शुभगुण सदन ये चौथा चरण है। अब यहाँ पे मात्रा आप देखिए मात्रा गिनिए, अभी हमने आपको बताया कि ये दो मात्रा है, ये एक मात्रा है। ठीक है, तो दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः एक सात एक आठ दो दस एक ग्यारह। अब देखिए इसमें पहले चरण में 11 मात्रा है, दूसरे चरण में देखिए 13 है कि नहीं, तो एक दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस तीन 13, अब देखिए 13 है। ठीक है, उसके बाद करहुँ इसमें भी देखिए तीन है, अनुग्रह एक यानी तीन एक चार दो छः एक सात एक आठ दो दस एक ग्यारह। अब यहाँ पर देखिए 11 है ना, पहले और तीसरे चरण में कितनी है 11, यहाँ पर भी 11 थी यहाँ पर भी 11 है। और चौथे चरण में देखिए दो एक तीन दो पाँच एक छः एक सात एक आठ एक नौ एक दस तीन 13 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोला का उदाहरण है। अगला देखिए कुंडलियाँ हैं। कुंडलियाँ यह दोहा एक, यह एक दोहा और एक रोला के मेल से बनता है। जो कुंडलियाँ छंद हैं यह एक एक दोहा और एक रोला के मेल से छंद बनता है। इसमें 24 मात्रा होती है, 13 और 11 पर यति होती है, यति मतलब रुका जाता है, 13-11 पर विराम होता है, वहाँ पे हम रुकते हैं। अब देखिए ये कुंडली है, कुंडलियाँ हैं, कुंडलियाँ को उदाहरण को मैं पढ़ रहा हूँ कि सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान मधुर मधुर स्वर कोयल बोले, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश में सावन के डोले, ठकुरेला कविराय ठकुरेला कविराय लगा सबकी लगा सबको मन भावन, ठकुरेला कविराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। ठीक है, ये कुंडलियाँ का उदाहरण है। अब इसमें देखिए प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्रा कैसे है। देखिए यहाँ पर ल की एक मात्रा होगी, गा की दो मात्रा यानी दो एक तीन हो गई, दो पाँच हो गई, एक छः दो आठ दो दस एक ग्यारह
ग्यारह दो तेरह, तेरह दो पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, दो उन्नीस, उन्नीस दो इक्कीस, इक्कीस दो तेईस, एक चौबीस। देखिए यहाँ पे 24 मात्रा होगी इस पूरे लाइन में। नीचे देखिए आसाऊँ, अब इसमें देखिए सब बड़े हैं तो इसमें दो दो मात्रा होगी, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, एक बारह, तेरह चौदह, पंद्रह सोलह, ये आधा अक्षर इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। सोलह दो अट्ठारह, उन्नीस बीस, दो बाईस, दो चौबीस, यहाँ पर भी देखिए 24 मात्रा हो गई। सेकंड में भी 24 मात्रा हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखिए लिए, ल में छोटा छोटी ए की मात्रा लगी है तो इसकी एक मात्रा हो जाएगी। इस ए ए जो है ये दीर्घ वर्ण में आता है, इसकी दो मात्रा हो जाएगी। दो एक तीन, दो पाँच, एक छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, दो तेरह, एक चौदह, दो पंद्रह, एक सोलह, एक सत्रह, दो उन्नीस, दो इक्कीस, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गिनने में मिस्टेक हो गया। हाँ तो दो दो एक तीन हो गया, दो पाँच, एक छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, एक बारह, एक तेरह, दो पंद्रह, एक सोलह, एक सत्रह, दो उन्नीस, इक्कीस हो गया, तेईस ना। यहाँ पर भी देखिए 24 आने चाहिए, अभी देखते हैं कि कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ पर लिए, लिए शब्द में दो एक तीन हो गया, तीन दो पाँच, एक छः हो गया, छः दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, हाँ दो तेरह, एक चौदह, चौदह दो सोलह, सत्रह अट्ठारह, दो बीस, दो बाईस, दो चौबीस, ठीक है। 24 देखिए आ गया, गिनने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, तो इस तरीके से इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्रा होती है और उसमें एक रोला और एक दोहा मिलकर के कुंडलिया बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आओगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार मैं पुनः से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।